नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास किससे, पार्टनरशिप से, ठीक है, किससे, पार्टनरशिप। जैसे हमने एज के अंदर सिर्फ एक सिंगल कॉन्सेप्ट पढ़ा है, सिर्फ हम पार्टनरशिप में भी सिर्फ एक सिंगल कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, बोटन स्ट्रिप में भी सिंगल कॉन्सेप्ट है। तो तीन चैप्टर हमारे सिंगल कॉन्सेप्ट से ही सॉल्व होंगे। देखो आपके पास मैथ्स के अंदर इतने सारे टॉपिक्स हैं, रेशियो प्रोपोर्शन है, प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, मिक्सचर एलिगेशन, पार्टनरशिप, एजेस, बोट एंड स्ट्रीम, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टर्न, नंबर सिस्टम, मतलब बहुत ही सारे टॉपिक हैं, एवरेज। हर किसी के लिए एक अलग कॉन्सेप्ट, हर क्वेश्चन के लिए एक अलग तरीका याद रखना नॉट पॉसिबल, और याद कर भी लोगे तो एग्ज़ाम में उसको नहीं आप आउटपुट दे पाओगे। तो आपको क्या ट्राई करना है, मुझे कम से कम कॉन्सेप्ट जानने पड़े, कम से कम फॉर्मूले याद करने पड़े और सब कुछ मेरा सॉल्व हो जाए उन्हीं से। तो एज आपका पूरा होते सॉल्व होगा, बोट एंड स्ट्रीम पूरा होते सॉल्व होगा। अब हम पार्टनरशिप देखते हैं। पार्टनरशिप में भी आपको क्या याद रखना है, सिर्फ प्रॉफिट इक्वल टू होता है इन्वेस्टमेंट वन रेशियो इन्वेस्टमेंट टू टाइम टू। ये क्या है प्रॉफिट, पी क्या है प्रॉफिट, तीन जने होंगे तो पी थ्री भी आ जाएगा। ये क्या है इन्वेस्टमेंट, और ये क्या है टाइम, बस और कुछ नहीं है कॉन्सेप्ट, सिर्फ यही कॉन्सेप्ट आपको दिमाग में रखना है। देखो कैसे होगा, देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, राशिका एंड निकिता इन्वेस्टेड अमाउंट ऑफ रुपीज 40,000 75,000 रिस्पेक्टिवली, उन्होंने इतना इतना इन्वेस्टमेंट किया। ये हो गया आपका आई वन, ये हो गया आपका आई टू, इसको हम फर्स्ट मान लेते हैं, इसको हम टू मान लेते हैं। एट द एंड ऑफ फाइव ईयर, दोनों के लिए टाइम सेम है हमारे पास, टी फाइव ईयर्स, ये दे गॉट ए टोटल डिविडेंड ऑफ 46,000, मतलब प्रॉफिट वन प्लस प्रॉफिट टू की वैल्यू 46,000। हमें क्या निकालना है, राशिका का शेयर कितना था उसमें, मतलब प्रॉफिट वन, डिविडेंड क्या होता है प्रॉफिट, हमें क्या निकालना था पी वन की वैल्यू, ठीक है, सिंपल है। हमने भी क्या देखा है, पी वन रेशियो पी टू इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट वन टाइम वन इंटू रेशियो इन्वेस्टमेंट टू टाइम टू। इन्वेस्टमेंट वन कितना हो रहा है, इसका मतलब रेशियो का मतलब यही होता है ना हमारे पास, पी वन बाय पी टू की वैल्यू आपको निकाल दे रखी है, इन्वेस्टमेंट वन टाइम वन, इन्वेस्टमेंट कितना हो रहा है 40,000, टाइम दोनों के लिए सेम है फाइव ईयर्स, यहाँ कितना हो रहा है 75,000, टाइम सेम है फाइव ईयर्स। इसको अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो ये तीन जीरो से ये तीन जीरो कट, फाइव से फाइव कट, और अगर इसको हम फाइव से काट दें तो आठ बाय पंद्रह। पी वन बाय पी टू की वैल्यू कितनी आ गई, आठ बाय पंद्रह, पी वन प्लस पी टू टोटल है 46,000। आपको किसका शेयर निकालना है, रशिका का, तो ये कैसे निकालते हैं हम, देखो जो भी आपको शेयर निकालना है अपॉन में टोटल शेयर, ठीक है, इनटू में जो आपको ये वैल्यू दे रखी है टोटल प्रॉफिट या वैल्यू जो दे आपको दे रखी है, मतलब आपको पी वन मतलब आठ की वैल्यू निकालनी थी, पी वन प्लस पी टू मतलब पंद्रह, आठ प्लस पंद्रह, क्योंकि ये पी वन है और ये पी टू है, तो आठ प्लस पंद्रह इंटू 46,000, वैल्यू क्या दे रखी है 46,000, आठ बाय तेईस इंटू 46,000 कितना हो जाएगा, ये टू से कट जाएगा 2,000, एट इंटू टू 16,000, तुम्हारा आंसर क्या आ गया डी 16,000, ठीक है, इजी था क्वेश्चन। नेक्स्ट हम देखते हैं, हमें क्या रखा है, दे रखा है थ्री फिफ्थ ऑफ ए नंबर इज मोर देन इट 40% बाय 85। सपोज करो नंबर है एक्स, इसका थ्री फिफ्थ ऑफ एक्स मोर देन इट्स 40%, मतलब 40% ऑफ एक्स मोर देन इट्स 40%, अपना ही 40% से कितना ज़्यादा है 85, मतलब अगर हम 3/5 ऑफ एक्स निकालें तो वो, अगर हम 40% ऑफ एक्स में 85 जोड़ें तो इसके इक्वल आता है, लिखा हुआ है थ्री फिफ्थ ऑफ ए नंबर इज मोर देन इट्स 40% बाय 85। इसका मतलब है इसको हम अगर इधर ले आते हैं दोनों इस साइड, 3/5x माइनस इसको अगर हम काट लेते हैं ऊपर नीचे तो ये कितना हो जाएगा 2/5, 2/5x इक्वल टू क्या आ जाएगा 85। हमें क्या निकालना है, बट इज 60% ऑफ x, 60% ऑफ दैट नंबर मतलब 60% ऑफ x। यहाँ से अगर हम x की वैल्यू कैलकुलेट करें, पाँच पाँच डिनोमिनेटर में दोनों कॉमन है, तो 3x माइनस 2x x
इक्वल टू क्या आ जाएगा, 5 इधर चला जाएगा, 85 इंटू 5, तो यहाँ से 85 इंटू 5 कितना हो गया, 5 इंटू 5 25, 5 लिखा 2 कैरी, 5 इंटू 8 40 प्लस 2 425 तो हमें वैल्यू मिल गई, ये 2 क्या था कैरी का, इसको हटा दो। हमें क्या निकालना है लेकिन 60%, ठीक है, तो ये कितना 100%, 60% निकालने के लिए क्या करेंगे हम, 10% निकालते हैं अगर 425 का, तो कितना आ जाता है 42.5, 10% निकालने के लिए हम क्या करते हैं 10 से डिवाइड, 10% आ गया 42.5, 60% निकालना है तो 6 से मल्टीप्लाई, क्योंकि अगर हम 10% को मल्टीप्लाई कर दें 6 से तो कितने पे पहुंच जाते हैं हम 60% पे, इसको अगर हम 6 से मल्टीप्लाई करते हैं देखो क्या आता है, 6 5 जो 30, 6 जो 12 प्लस 3 15 वन कैरी, 6 4 जो 24 प्लस 1 25, ये पॉइंट था, ये पॉइंट कहाँ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा एक पॉइंट, तो जीरो से पहले पॉइंट आ गया, कितना रह गया 255.0 का मतलब 255, तो हमारा आंसर क्या हो गया बी 255। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 8 मैन एंड 4 बॉय वर्किंग टुगेदर कैन डू 6 टाइम्स एज मच वर्क पर आवर एज ए मैन एंड ए बॉय टुगेदर, मतलब एक घंटे में एक मैन और एक बॉय जितना काम करते हैं, सपोज करते हैं हम एक मैन प्लस एक बॉय मिलके एक घंटे में कितना काम कर लेते हैं, सपोज करो एक्स यूनिट, तो बोल रहा है 8 मैन और 4 बॉय कितना कर लेते हैं मिलके 6 गुना, इसका 6 गुना, तो 8 मैन प्लस 4 बॉय अगर मिल जाए तो एक मैन और एक बॉय ने तो मिला करा एक्स यूनिट, ये कितना कर लेंगे 6 एक्स यूनिट, ठीक है ना, 6 एक्स यूनिट। अब देखो एक्स की वैल्यू अगर हम यहाँ से यहाँ डाल दें, मतलब 8 मैन प्लस 4 बॉय में एक्स की वैल्यू डाल दें 6, 1 मैन प्लस 1 बॉय, इसको अगर हम सॉल्व करें तो यहाँ पे आ जाएगा 6m यहाँ आ जाएगा 2m बन जाएगा, 8m माइनस 6m 4 बॉय, 6b माइनस 4 बॉय कितना हो जाएगा 2 बॉय। हमें क्या करना था, कंपेयर द वर्क ऑफ मैन विद दैट ऑफ बॉय, मतलब वर्क का मतलब एफिशिएंसी हमें कंपेयर करनी थी कि कितना मैं कितना काम एक घंटे में एक आदमी कर पा रहा है और कितना ही काम एक घंटे में बॉय कर पा रहा है, तो 2m इज इक्वल टू 2 बॉय आ गया, 2 से 2 कैंसिल अगर हम कर दें यहाँ से तो मैन और बॉय का काम इक्वल है, मतलब मैन इज टू बॉय का रेशियो कितना हो जाएगा 1:1, दोनों का काम इक्वल है ना, तो एक काम अगर मैन करेगा तो एक ही बॉय करेगा, तो हमारा आंसर क्या हो गया 10th का सी, ठीक है ना। क्या करा हमने, एक्स यूनिट माना एक बॉय और एक मैन का काम, तो 8 मैन 4 बॉय का काम कितना आ गया 6x लिखा हुआ है क्योंकि 6 टाइम्स, तो x की वैल्यू यहाँ डाली मैन मैन प्लस 1 बॉय, सॉल्व करा m और b का रेशियो आ गया 1:1। अब हमारे पास आ जाते हैं क्या, क्वाड्रेटिक। जैसा कि आप जानते हो 90% 95% आपको एग्जाम में 5 क्वेश्चन क्वाड्रेटिक से मिलने ही मिलने हैं, ठीक है ना, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। देखो पहला है x अंडर रूट ऑफ 3136, अंडर रूट ऑफ 3136 कितना होता है 56, और ये हमने कैसे निकाला फास्टली, ये आप हमारे वीडियो में देख सकते हैं स्क्वायर रूट वाली, और एक बार हम थोड़ा सा डिस्कस भी कर लेते हैं। क्या करना होता है आपको, दो डिजिट को मार्क करना होता है लास्ट से, 31 को चेक करना होता है वो किसके स्क्वायर के बीच में लाई कर रहा है, ये लाई करेगा 5 का स्क्वायर होता है 25 और 6 का स्क्वायर होता है क्या 36, 5 का स्क्वायर और 6 के स्क्वायर के बीच में लाई करेगा, तो जो हमारे पास लोअर रेंज है 5 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर, 5 लोअर रेंज 6 बड़ी रेंज, तो जो लोअर रेंज है वो उसकी पहली डिजिट हो जाती है। अब हम ये चेक करते हैं कि जो 6 है वो किस किस की क्या बैटरी है यूनिट डिजिट, मतलब देखो 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, 6 का स्क्वायर क्या होता है 36, तो आपको 1 से लेकर 10 तक में ये चेक करना है जो इसकी यूनिट डिजिट है 6 वो और किस किस नंबर की यूनिट डिजिट है, किस किस स्क्वायर की, 4 का स्क्वायर 16, 6 का स्क्वायर 36, तो 6 की 4 के स्क्वायर की भी यूनिट डिजिट 6 के स्क्वायर की भी, तो इसका आंसर या तो आपका 54 हो सकता था या हो सकता था 56, ठीक है। आपको क्या करना है, इसको कंफर्म करने के लिए आपको निकालना है 55 का स्क्वायर, 55 का स्क्वायर निकालना बहुत आसान है, जो भी नंबर 5 से एंड होते हैं उनका स्क्वायर हम कैसे निकालते हैं, जैसे 55 का स्क्वायर निकालना है तो 5 इंटू 5 में एक प्लस 1 करो और बाद में लिख दो 25, ठीक है ना, तो 5 इंटू 5 प्लस 1 6 कितना हो गया 30 और लास्ट में क्या लिखना है 25, 55 का स्क्वायर क्या आ गया 3025, 3025।
अब आप देखो, मुझे वैल्यू किसकी निकालनी थी, 3136 के स्क्वायर रूट की। 3136 का स्क्वायर रूट जो है इससे बड़ा है, अगर वैल्यू इससे बड़ी है तो ऑब्वियस ही बात है 54 तो कभी आंसर हो ही नहीं सकता, क्योंकि 54 का स्क्वायर होगा वो तो इससे भी छोटा आएगा 3025 से, लेकिन हमारा क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है 3136, तो हमारा आंसर क्या हो गया 56। और ज़्यादा इसको क्लियर करने के लिए स्क्वायर रूट वाली वीडियो आप देख सकते हैं हमारी। इसको हटा देते हैं। अब देखो हमें इस x की वैल्यू मतलब क्या मिल गई 56, ऐसी y भी क्या होगा, ये स्क्वायर अगर इसे हम हटा देते हैं यहाँ पे आके स्क्वायर रूट बन जाएगा ये भी, लेकिन ये y स्क्वायर है क्योंकि, तो y की वैल्यू क्या क्या आएगी, प्लस 56 भी और माइनस 56 भी, ये सबको पता होगा। अब आप क्लियरली क्या देख रहे हो, अगर आप x और y को कंपेयर करते हो तो x क्या हो सकता है, या तो इक्वल हो सकता है वाई के या ग्रेटर हो सकता है वाई से। क्यों, अगर हम एक्स की वैल्यू 56 लें वाई की 56 लें तो इक्वल हो जाएगा, एक्स की 56 लें वाई की माइनस 56 लें तो क्या हो जाएगा, ग्रेटर। तो यानी एक्स फाइनली क्या हो जाएगा, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू वाई, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू वाई मतलब डी। तो हमारे इसका आंसर क्या हो गया, D11 का। आगे हम देखते हैं इस क्वाड्रेटिक को हम कैसे देखो सॉल्व करते हैं। हम क्या करते हैं, इसको 10 को और x का स्क्वायर कॉफिशियंट मतलब x के स्क्वायर का कॉफिशियंट मतलब 1, यहाँ पे 1 है, इनको हम वापस से मल्टीप्लाई करते हैं, 10 इंटू 1 मतलब 10 हो गया। अब हमें 10 के ऐसे वेक्टर ढूंढने हैं जिसको मल्टीप्लाई करके तो प्लस 10 ही आए, प्लस 10 ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है प्लस और माइनस, और जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे क्या है, माइनस 7। ऐसे कौन से वेक्टर हो सकते हैं सोचो, माइनस 5 और माइनस 2, क्योंकि अगर हम एक्स को अगर हम इसको प्लस करें तो माइनस 7 आता है, क्योंकि माइनस 7 ही चाहिए मुझे, और मल्टीप्लाई करें माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, 10। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, इनके एक्स स्क्वायर के कॉफिशियंट से डिवाइड करना, 1 ही है इस केस में तो 1 ही डिवाइड कर देंगे, और फाइनली इनका साइन चेंज करना, तो एक्स की वैल्यू 5, इसको हम साइन चेंज करेंगे प्लस हो जाएगा, इसको भी चेंज करेंगे प्लस हो जाएगा, 5 और 2 आ गई। सेम वे में y की वैल्यू निकालते हैं, 10 इंटू 1, वाई के स्क्वायर का कॉफिशियंट क्या है, 1 ही है, तो ये भी कितना आ जाएगा, 10, ठीक है, ये भी 10 आ गया। और 11 के ऐसे फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं हमारे पास, सोचो क्या हो सकते हैं कि हमारे पास उनको मल्टीप्लाई करके तो 10 आए लेकिन प्लस माइनस करके क्या आए, 11, तो क्या हो सकते हैं, 10 और 1 ही हो सकता है, इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो 10, प्लस करते हैं तो 11, डिवाइड करते हैं कॉफिशियंट से और y की वैल्यू क्या हो जाती है, माइनस 10 और माइनस 1, माइनस 10 और माइनस 1, इनका साइन चेंज कर देते हैं लास्ट में। अब देखो वैसे हमारे जो पास जो मेथड है कंपेयर करने का, वो दो मेथड है, एक तो लंबर लाइन वाला और एक x1 x2 y1 y2 लेके। लेकिन सोचो यहाँ पे मुझे कि कोई मेथड लगाने की ज़रूरत है ना, तो यहाँ पे कोई भी वैल्यू इक्वल आ रही है, और y की दोनों वैल्यू नेगेटिव, x की दोनों वैल्यू पॉजिटिव, तो ऑब्वियस है क्या हो सकता है, x ग्रेटर देन y, आप चाहे 5 ले लो चाहे 2 ले लो, हमेशा y से बड़ा ही आएगा, तो इसका आंसर क्या हो गया, x ग्रेटर देन y, मतलब क्या आंसर हो गया, a, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट में देखो क्या है, 192 के फैक्टर। अब क्या हो गया आपका 192 के ऐसे फैक्टर कि उनको मल्टीप्लाई करके तो 192 आए और प्लस या माइनस करके क्या आए, 28। तो ऐसे फैक्टर देखो आप कौन से हो सकते हैं, तो ऐसे फैक्टर आपके पास हो सकते हैं 16 और 12। अगर आप 16 और 12 को मल्टीप्लाई करोगे तो 192 आएगा, प्लस माइनस करके 28, प्लस करके 28 आएगा। नेक्स्ट स्टेप 1 से डिवाइड, एक्स स्क्वायर का कॉफिशियंट, एक्स स्क्वायर कॉफिशियंट यहाँ पे क्या है, 1। नेक्स्ट स्टेप इनके साइन चेंज, एक्स की वैल्यू क्या क्या आ गई, माइनस 16 और माइनस 12, इनके साइन चेंज करना आप ना भूलें वरना पूरा आंसर गलत हो जाएगा सही निकाला हुआ भी। सेम वे में वाई की वैल्यू निकाल लो, तो वाई कैसे निकालोगे आप,
48 इंटू वाई का स्क्वायर भी 1 ही है, 48 ही हो गया। इसके फैक्टर ऐसे कि 16 आ जाए प्लस माइनस करके और मल्टीप्लाई करके 48 क्या हो सकते हैं, 12 इंटू 4 48 और इनको प्लस करके भी क्या आता है 16। डिवाइड करोगे कॉफिशियंट से तो 1 ही है, ठीक है। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे, माइनस 12 माइनस 4। अब देखो, अब हमारे पास वैल्यूज जो आई है वो चार ही माइनस में है। अब हम क्या करेंगे, इनको नंबर लाइन पे प्लॉट कर सकते हैं, दोनों मेथड से हम देखते हैं। ये नंबर लाइन बना नहीं, सपोज हमने करो यहाँ पे हमारे पास जीरो है क्योंकि सारी वैल्यू माइनस में है, तो हम खाली माइनस वाली वैल्यू लिखते हैं। 4, 12, 16 सपोज करो, 4 तो कहीं यहाँ पे लाई करेगा माइनस 4, है ना, माइनस 1 से शुरू होती है वैल्यूज क्योंकि, और माइनस 12 कहीं यहाँ पे लाई करेगा, माइनस 16 कहीं यहाँ पे लाई करेगा। देखो निकालने का वे क्या होता है, पहले हमारी जो वैल्यूज़ हैं x की वैल्यूज़ के वो क्या क्या है, माइनस 16 और माइनस 12, तो x के लिए कौन सा रीज़न बनेगा, ये वाला, है ना। y के लिए माइनस 12 और माइनस 4, मतलब यहाँ से बिल्कुल बाउंड्री से शुरू होते हुए ये वाला, ये किसका है, y का। तो ये हो गया x का और ये हो गया y का। देखो यहाँ से हम चलते हैं, आपको पता है माइनस 1 जो होता है वो ग्रेटर होता है माइनस 2 से, माइनस के केस में है ना, माइनस 1 ग्रेटर होता है माइनस 2। तो y का जब हम माइनस की साइड जाएंगे तो हमें देखेंगे पहले कौन सा हमारे पास एरिया पड़ा, y का एरिया पहले पड़ा और दोनों की बाउंड्री भी टच हो रही है, इसका मतलब क्या होगा, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू x, क्योंकि y या तो ग्रेटर हो सकता है क्योंकि ये सब वैल्यूज़ इनसे बड़ी है, माइनस 4 से लेकर माइनस 12 की वैल्यूज़ माइनस 12 से माइनस 16 से वैल्यूज से बड़ी है, या माइनस 12 हो गया तो इक्वल भी हो सकता है। इसका मतलब हमारा आंसर क्या हो सकता है, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू x, है ना, मतलब d। दूसरा तरीका देखो क्या है, दूसरा तरीका कुछ भी नहीं है, सपोज करो जो हमने ये वैल्यूज लिखे हैं, इसको हम मान लेते हैं x1, इसको हम मान लेते हैं x2, इसको हम मान लेते हैं y1, इसको हम मान लेते हैं y2। अब आप क्या करो, कंपेयर करोगे किसको, अब आप कंपेयर करोगे किसको, देखो x1 को पहले दो बार x1 लिखो, दो बार x2 लिखो, एक बार लिखो यहाँ y1 y2 y1। x1 की वैल्यू देखो क्या लिखी है आपने, माइनस 16, ठीक है ना, x1 की वैल्यू आपने लिखी है माइनस 16, माइनस 16, और x2 की माइनस 12, y1 की माइनस 12, y2 की माइनस 4, ये वैल्यूज आपने ऐसे लिख ली। अब आप देखो इनके बीच में साइन लगाओ कौन सा किससे बड़ा है, यहाँ पे y1 बड़ा है माइनस 12 ग्रेटर है माइनस 16 से, यहाँ पे भी y2 बड़ा है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी y1 बड़ा है, यहाँ पे क्या है, x1 सॉरी ये माइनस 12 है ना, x x1 की वैल्यू तो माइनस 16 ही है, और y1 y2 सॉरी ये माइनस 12 है, ये माइनस 12 है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस 12 इक्वल टू माइनस 12। अब देखो इन साइन में क्या हो रहा है, या तो ग्रेटर आ रहा है या इक्वल टू आ रहा है, इसका मतलब y ग्रेटर देन इक्वल टू x। तो आप दोनों मेथड से कोई सा ही मेथड अपना सकते हो जो आपको इजी लगे। नेक्स्ट हम देखते हैं 14।